हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ पलिया कला। पलिया कला जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस टाइम मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, बहुत छोटा सा स्टेशन है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ कुछ खाने और आपको मार्केट भी दिखाता हूँ पलिया कला की मार्केट कैसी है और क्या क्या है यहाँ पर। आपको ट्रेन की आवाज़ आ गई होगी, अभी एक ट्रेन आई है यहाँ। वैसे बहुत कम ट्रेनें आती हैं, तो अभी अभी एक ट्रेन आई है यहाँ पर। चार ट्रेनें तो आती हैं। चार ट्रेनें आती हैं। हाँ, दो मैलानी से, दो सुपनिया, दो मैलानी से आती हैं। सुबह आती हैं। हाँ अच्छा, अभी जाएगी। अब कोई नहीं आएगी, गाड़ी नहीं है ना, आएगी ना जाएगी, ना आएगी ना कोई जाएगी, अब सुबह आएगी केवल, सुबह आएगी। तो कल मुझे यहाँ से जाना है बिछिया, तो मैं सुबह 8:25 की कह रहे हैं ट्रेन है। हाँ बिल्कुल, बिछिया जाऊँगा तो यहाँ से 9 निकलेगी। हाँ ठीक है, 9 गाड़ी खड़ी हो जाती है। अच्छा, आगे खड़ी हो जाएगी। हाँ, क्या आप यहीं के रहने वाले हो? जी। यहाँ क्या फेमस है वैसे, यहाँ की बात करें तो? यहाँ की फेमस तो ऐसे कुछ भी नहीं है फिलहाल, ऐसे दुधवा नेशनल फेमस, दुधवा नेशनल पार्क। हाँ, उससे फेमस क्या होगा? आपने लास्ट वीडियो में दुधवा नेशनल पार्क देखा होगा, मैं हो आया हूँ वहाँ पर। तो अगर आप यहाँ की बात करें, पलिया की बात करें, तो यहाँ का सबसे फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। आप गए हो जी वहाँ? टाइगर देखा? ये हाँ, सब कुछ, टाइगर मिलेगा, हाथी मिलेगा और से वो भालू वालू सब। आपने देखा, आपने देखा? अरे हम जंगली हैं, हम जंगल के रहने वाले हैं। हाँ, हम लकड़ी लाते हैं। अच्छा। हाँ, आज लकड़ी नहीं लाए। अच्छा। हम हमेशा लकड़ी लाते हैं। अच्छा, तो आपको वहाँ दिखते रहते होंगे वहाँ पर जी। मैंने सुना यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले एक लड़के को भी बाघ ने मार दिया है ना, मार दिया था ये अपना यहाँ पे, यहाँ से लमसम 5 दूर, 6 दूर। अच्छा, गुदरिया बाबा है। अच्छा, वहाँ पे मार दिया था बाघ ने, मार दिया। हाँ, तो ये तो रिस्क वाला काम है जी। बाघ बाहर आया था। हाँ, वो गन्नों खेत में छुपा हुआ है। अच्छा, वहीं पर ही है। हाँ, तो बाघ अगर बाहर आ जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वापस वो जंगल में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ का मांस मिल गया उसको मांस, और उसके अलावा उसको आसान जानवर भी मिल जाते हैं, गाय वाय छोटे छोटे। नहीं, अब वो गाय का शिकारी नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा। हाँ, अब वो केवल आदमी का करेगा। अच्छा। हाँ, और जो लड़के को मारा, कितने साल का था वो? वो लमसम 10 का था। 10 का लड़का था जिसको बाघ ने मारा, गया था भैया चलाने। अच्छा, वहीं पकड़ लिया उसने। तो आज चारों तरफ जंगल ही है जी, चारों तरफ जंगल है ना, चारों तरफ जंगल है। अब इनसे ज़्यादा किसको पता होगा, ये तो वहाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटते हैं, तो काम वाम करते हैं वहाँ पर सब जी। ये देखो लकड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, ये लकड़ियाँ देखो आप आ रही हैं, आपको दिख रहा हो तो। ये देखो एक लकड़ी आ रहा, हमारा भतीजा जा रहा है। थोड़ी शाम हो गई है, थोड़ा दिन ढलने को है, इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, धुंधलापन दिखा रहा, धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं चलता हूँ मार्केट की तरफ। मैंने सुना है एक आधी जगह ये कुछ फेमस है यहाँ पर खाने का, टिक्की विक्की खाने की फेमस। हाँ, है आगरा। हाँ, है, आगरा कुछ, आगरा ये यहाँ पे चले जाओ, चौधरी स्वीट हाउस, चौधरी स्वीट हाउस भी है, वो भी मशहूर है, और आगरा वाला भी, आगरा वाला वो आगे है। चलो, वो भी मशहूर है। मार्केट दिखाता हूँ आपको, उस तरफ निकल जाता हूँ। यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे आपको मतलब सिख समुदाय से, मतलब पंजाब के बहुत लोग मिल जाएंगे यहाँ पर ना। यहाँ मिनी पंजाब, पंजाबी रहते हैं यहाँ पर, इसको मिनी पंजाब बोलते हैं, है ना, मिनी पंजाब, मिनी पंजाब बोलते हैं जी। बताओ, मैं तो हैरान हो गया, मैंने बहुतों से बात भी करी बस में, तो कहते हम तो यहीं पर ही रहते हैं, 1960 पार्टीशन के बाद यहीं पर ही आके बस गए थे। तो ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ आके पता चली, कभी सुना तो था कभी न्यूज़ में, लेकिन जब बंदा जाता है तभी उस जगह को समझता है, समझता है। ठीक है जी, आपका नाम? राजेश। राजेश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं, घूमते हैं पलिया कला। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मैं आ गया हूँ आगरा चाट एंड फास्ट फूड पर, यहाँ पर टिक्की खाने। यहाँ की टिक्की बहुत फेमस है, मटर का मसाला, पनीर मैश करके, दाल, चटनी,
और बहुत सारी चीज़ें और भी डाली हैं। वो कह रहे हैं यहाँ की आप टिक्की खाओगे हर जगह की टिक्की भूल जाओगे। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इधर उधर खाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं वो सिर्फ यहीं खाते हैं। तो मैं भी खाता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। टिक्की बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट तो। पहले मैं सिंगल टिक्की ले रहा था, उन्होंने कहा सिंगल लोगे एक प्लेट में दो टिक्की आती है, उन्होंने कहा सिंगल लोगे तो बाद में एक और मांगोगे, तो मैंने कहा चलो भाई दो ही दे दो, और सही मैंने अच्छा किया कि दो ले ली, बहुत टेस्टी है। कभी आप यहाँ आएँ तो यार टिक्की ज़रूर खाना, यार टिक्की भी होता है, बर्गर भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गोलगप्पे भी होते हैं। इसके बाद ये खाता हूँ, फिर देखता हूँ अगर कुछ और खाने का मन करता है, अगर इसी में पेट भर जाएगा तो कैसे खाऊँगा, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए, तो खाता हूँ फिर देखते हैं। और ये आ गए हैं गोलगप्पे, और ये गोलगप्पे नहीं हैं, ये दही के गोलगप्पे हैं। आप देखो देखने से ही आपके मुंह में तो पानी आ गया जी। और अगर अभी भी नहीं आया तो अब आने वाला है, एक सेकंड रुको आप। गोलगप्पे खा के दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया गोलगप्पे खा के तुझे, सही में इतना मज़ा लग नहीं रहा था कि इतने टेस्टी होंगे। पता नहीं उन्होंने क्या क्या डाला बीच में, सबसे ऊपर हरी मिर्च तो दिख रही है और दही वही प्याज ये सब तो है ही है, मसाला पता नहीं कौन सा है। गोलगप्पे तो यहाँ के मस्त ट्राई है, मस्त मतलब भैया बता रहे हैं यहाँ पर पंजाबी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कह रहे दो प्लेट तो टेस्ट में ही खा जाते हैं। पंजाबियों को तो शौक होता है ज़्यादा ये सब चीज़ें खाने का, वैसे तो शौक सबको ही होता है लेकिन पंजाबियों को भी होता है, और यहाँ पर तो बहुत पंजाबी पंजाबी रहते हैं हर जगह, तो वो ये खाते हैं और वो बच्चे टेस्ट में दो प्लेट खाते हैं। और ये भैया यहाँ पर काम करते हैं, मैंने भैया को बता दिया आपके गोलगप्पे तो भैया जबरदस्त हैं। आप खाते रहते हो? हाँ बिल्कुल खाते रहते हैं, सुबह शाम आप गोलगप्पे ही खाते रहते हैं लग रहा है? शाम नहीं पर आप खाते हैं। खाते रहते हैं ना? हाँ। भाई साहब कॉन्फिडेंस, ये भाई भी यहाँ काम करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस कि भाई आप खा के देखो, और सही में सही कॉन्फिडेंस था। और ये दीपक गुप्ता जी हैं इस दुकान के ओनर, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे थे, सही में बहुत बढ़िया थे, शुक्रिया जी। और ये आगरा से ही बिलोंग करते हैं, मतलब इनके जो पहले एंसेस्टर्स थे दादाजी परदादाजी वो सब आगरा से ही थे, लेकिन आप यहीं पैदा हुए हो? हाँ जी। ठीक है जी। नहीं मैं सर पैदा आगरा में हूँ, रहे यहाँ। अच्छा आगरा में वो रहे यहाँ रहे हैं, और इस टाइम बना रहे हैं मोमोज की तैयारी हो रही है जी, यहाँ सब कुछ मिलता है, मोमोज डोसा चाउमीन बर्गर पाव भाजी नींबू मटर पापड़ी दही बल्ले। अच्छा चलो ठीक है, अब मुश्किल ही खाना, डिनर तो मुश्किल ही करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ खा लिया आपके यहाँ पर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। ठीक है भाई, ओके ब्रो, रोटी भी खानी है ठीक है गोलगप्पों के साथ साथ।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियोस में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।